पृथ्वी से बाहर क्या कहीं जीवन है? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए वैज्ञानिक कई साल से कोशिशें कर रहे हैं। इसी कोशिश में अब अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह के एक चंद्रमा पर स्पेसक्राफ्ट भेजा है। यूरोपा क्लिपर नाम का यह स्पेसक्राफ्ट फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया। यह स्पेसक्राफ्ट लगभग 290 करोड़ किलोमीटर का सफर तय करते हुए जुपिटर के चारों तरफ घूमने वाले उसके चंद्रमा यूरोपा पर पहुंचेगा। इस स्पेसक्राफ्ट के साल 2030 तक यूरोपा तक पहुंचने की उम्मीद है। ये वहां पहुंचकर यूरोपा में जीवन की तलाश करेगा। ऐसा माना जाता है कि जुपिटर के इस चंद्रमा में विशाल समंदर हो सकता है और इसमें पृथ्वी के मुकाबले दो गुना पानी हो सकता है। वैसे पिछले साल यूरोपा के लिए एक यूरोपीय मिशन भी लॉन्च किया गया था, लेकिन माना जा रहा है कि नासा का ये मिशन यूरोपीय मिशन से पहले यूरोपा पहुंच जाएगा। जुपिटर ग्रह के चंद्रमा यूरोपा की बात करें तो ये पृथ्वी से लगभग 628 मिलियन किलोमीटर दूर है। इसका आकार पृथ्वी के चंद्रमा से थोड़ा बड़ा है। बताया जाता है कि अगर यूरोपा पृथ्वी का चंद्रमा होता तो ये अभी मौजूद पृथ्वी के चंद्रमा से 5 गुना ज्यादा चमकदार होता। इसकी वजह है इसमें मौजूद बर्फ जो सूर्य की रोशनी को ज्यादा रिफ्लेक्ट करती। यूरोपा पर जो बर्फ की चादर है वो करीब 25 किलोमीटर तक मोटी बताई जाती है। इसके साथ उसमें एक बड़ा नमकीन पानी का समंदर होने की भी संभावना है। वैज्ञानिकों को पहली बार साल 1970 के दशक में लगा कि यूरोपा में जीवन हो सकता है। तब वैज्ञानिकों ने एरिजोना में टेलीस्कोप से देखा कि यूरोपा में पानी वाली बर्फ मौजूद थी। वॉयेजर 1 और 2 स्पेसक्राफ्ट ने इसकी करीब से तस्वीरें ली। फिर 1995 में नासा का गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट यूरोपा के करीब से गुजरा और उसकी कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें ली। इन तस्वीरों में गहरे लाल भूरे रंग की दरारें दिखीं, फ्रैक्चर से भरी सतह दिखाई दी जिसमें नमक और सल्फर की मौजूदगी नजर आई, जो वहां जीवन होने का अंदेशा दे रहे थे, जिससे ये संकेत मिले कि यहां जीवन हो सकता है। हालांकि इनमें से कोई भी मिशन यूरोपा के इतने नजदीक नहीं पहुंचा कि वहां जीवन की मौजूदगी के पर्याप्त सबूत जुटा सके। अब वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि नासा का क्लिपर स्पेसक्राफ्ट यूरोपा चंद्रमा से धूल के कुछ कण जुटा पाएगा और पानी की मौजूदगी के संकेत दे पाएगा।